मऊ के सिंग्रामपुर में मोहन सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई और रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में मोहन सरकार ने विकास, कृषि, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम मोहन ने रानी दुर्गावती को याद किया, तो वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पंचायत में कैबिनेट की बैठक हो रही है, यही तो आनंद की बात है। आपकी भी कर्मभूमि रही है, किस प्रकार से देखते हो, क्या रहा आज का? मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं तो मैं इतना ही कहूंगा पहली पंक्ति में कि पंचायत में कैबिनेट आज का आनंद ये है। गांधी कहते थे कि पंचायत के स्तर पर कैबिनेट होगी तो लोकतंत्र का सबसे शुभ दिन होगा, तो गांधी की भाषा में आज का सबसे शुभ दिन है। हम सिंगोरगढ़ को अजय किला मानते हैं, है भी इतिहास में। 500 साल पहले मातृशक्ति कितनी ताकतवर थी उसका ये प्रतीक है। दमोह में साहित्य है, संगीत है, साहस है, विजय की कहानियां हैं, सांस्कृतिक विरासत है हजारों हजार साल की, तो पर्यटक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ निदान फाल है, दूसरी तरफ इतिहास सिर उठा के खड़ा हुआ है। तो ऐसी चीजें हैं जो हमको हर कीमत पर यहाँ पर आने के लिए प्रेरित लोगों को करेंगी, इसलिए हम गौरवान्वित हैं। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि उन्हें यहाँ पर कैबिनेट की सबको। सिंग्रामपुर के इतिहास में आज इतिहास लगा गया सिंग्रामपुर में, और देख सकते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट बैठक हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री भी रवाना हो चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जिले के प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज जिस प्रकार से कैबिनेट बैठक हुई, क्या किस प्रकार की लगा आपको, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के लिए जयंती के अवसर पर पूरा मंत्रिमंडल पुष्पांजलि अर्पित करने, सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करने रानी दुर्गावती जी के गढ़ में उनको पुष्पांजलि देने आया था। इससे पूरे देश में रानी दुर्गावती को अलग पहचान मिलेगी और नई पहचान मिलेगी। व्यक्ति को अपने अतीत और इतिहास को हमेशा जानना चाहिए कि रानी दुर्गावती ने कैसे मुगल शासकों से युद्ध लड़े, किस तरह से अपनी संस्कृति की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वो झुकी नहीं। तो व्यक्ति को अपना इतिहास जानकर भविष्य का निर्माण, भविष्य की योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। यहाँ आज एक योजना अन्य योजना को रानी दुर्गावती अन्य योजना के नाम से चलाया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश में उसको पहचान मिलेगी। और साथ ही जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, पर्यटक हब बनाने का काम किया जाएगा। पर्यटक हब बनाने की बात की जा रही है, लगातार ये बात होती भी रही है, कल कितने जल्दी और कब तक हो जाए, चूंकि आपके सानिध्य में आपके जिले के प्रभारी मंत्री आपके रहते हुए कैबिनेट बैठक में जल्दी से जल्दी, तो देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी पर्यटन हब जो है वो बनाया जाएगा, ये कह रहे हैं रामनिवास रावत, जो कि दमोह जिले के प्रभारी मंत्री हैं। सिंग्रामपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। कैबिनेट बैठक हो चुकी है और हमारे साथ मौजूद हैं जवेरा के विधायक मंत्री पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, हम उनसे चर्चा करेंगे। भैया कैबिनेट बैठक का प्लान नहीं है, पर्यटन हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और आप चूंकि खुद पर्यटन है। निश्चित रूप से बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे के गए हैं कि पूरे दमोह को, मैंने तो केवल जवेरा विधानसभा सिंग्रामपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन देखिए, उन्होंने कहा पूरे दमोह को हम पर्यटन हब के रूप में विकसित करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से पर्यटन मंत्री होने के नाते इस क्षेत्र के विकास की पूरी रचना योजना बनाई जाएगी और उस पर आने वाले समय में हम काम करेंगे। और रानी दुर्गावती जी को समर्पित एक कैबिनेट, महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक कैबिनेट निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात एक छोटे से गाँव सिंग्रामपुर में ये कैबिनेट हुई है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का विजन बताता है कि सरकार गांव तक पहुंचना चाहती है, गांव तक जाना चाहती है, ये आम लोगों की दुख तकलीफ को महसूस करना चाहती है। ये जनजाति समाज के लिए भी आज गौरव का विषय है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ये ऐतिहासिक कैबिनेट यहां पर हुई है। आज 500वीं जयंती थी रानी दुर्गावती की, उसके अनुसार जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नारी सशक्तिकरण, कितने जल्दी ये योजनाएं जो है क्रियान्वित? देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं।
आप चाहे लाडली बहनों को देख लो, 1250 रुपए हर महीने, माने एक साल में 15,000 रुपए लाडली बहनों के खाते में जा रहा है। जिस परिवार में एक बहन है तो 15 जा रहा है, दो है तो 30,000 रुपए जा रहा है, तीन है तो 45,000 रुपए जा रहा है। तो कितना पैसा महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार दे रही है, गैस सब्सिडी हम दे रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए तो निरंतर सरकार काम कर ही रही है। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1250 पे हम रुकने वाले नहीं है, आने वाले समय में राशि बढ़ाकर जो हमने वादा किया है वहां तक पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण के लिए काम है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो ये भी अपने आप में महिला सशक्तिकरण की बात है। तो मैं तो कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, शायद ही किसी ने कभी किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि ये थे धर्मेंद्र लोधी जो कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। सिंग्रामपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24/7।